आज ही डाउनलोड डाउनलोड करें। पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, फिजिक्स और और बायोलॉजी का सफाया। बस अपने क्वेश्चन क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। कंपाउंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप, पे में क्या बोला है? इंटरमीडिएट इज इंटरमीडिएट इमेज कैसी होती है ठीक है तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसी इमेज बनाता है ठीक है तो देखते हैं देखो क्या होता है सबसे पहले ये हमारा ऑब्जेक्ट है ठीक है यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस रखा होता है और ये आई लेंस रखा होता है ठीक है इसे आई लेंस ही क्यों कहते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे हमारी आईज होती है जो कि इस ऑब्जेक्ट को देखती हैं ये ऑब्जेक्ट जनरली जनरली क्या मतलब हमेशा जो होता है वो फोकस से थोड़ा जस्ट बाद रखा होता है इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल पॉइंट से जस्ट आफ्टर रखा होता है ठीक है समझ गए तो अब फोकल लेंथ के बाद रखा है मतलब इमेज कैसी बनेगी रियल एंड इनवर्टेड रियल क्यों बनेगी देखो ये है क्या है मतलब ये भूल जाओ अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ठीक है ये क्या है ये कॉन्वेक्स लेंस है कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट फोकस के बाद रखा होता है तो इमेज कैसे बनती है रियल एंड इनवर्टेड देखो क्या हो रहा है ये रेज यहाँ से इन्फिनिटी से आई और फोकस से होते हुए चली गई यहाँ पे ठीक है ये यू चली गई रेज फिर एक रेज ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गई और यहाँ पे मीट करी तो ये जो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों रेज मीट कर रही हैं वहाँ इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की वजह से और देख सकते हैं हम ये इंटरमीडिएट इमेज है ठीक है मतलब ऑब्जेक्टिव और आई लेंस के बीच में बन रही है तो इसी को इंटरमीडिएट इमेज भी कहते हैं ठीक है थीके? और ये है कैसी देखो कॉन्वेक्स लेंस के राइट right में जब भी इमेज बनती है तो वो क्या होती है रियल ठीक है और देख के बताओ ये इन्वर्टेड है या अपराइट है इनवर्टेड इमेज है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस था अपराइट मतलब अपवर्ड प्लेस था और जो इमेज हमारी बनी वो डाउनवर्ड बनी मतलब इस तरह से तो ये इमेज क्या है इन्वर्टेड है ठीक है और एक चीज यहां से देख के बताओ कि ये इमेज मैग्नीफाइड है या डायमनिस्ड है मतलब मैग्नीफाइड किसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से बड़ी होनी चाहिए इमेज ठीक है तो वो होगी मैग्नीफाइड और ऑब्जेक्ट से अगर छोटी है तो डायमनिस्ड होगी ठीक है तो ये इमेज जो है छोटी है बड़ी है ऑब्जेक्ट से बड़ी सॉरी ये इमेज जो है बड़ी है ठीक है तो मतलब मैग्नीफाइड, ठीक है रियल हमें कैसे पता चला अगर कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो होती है राइट right में बनती है तो वो रियल होती है ठीक है और ये एक्चुअल लाइन मीट कर रही है ना इमेजनरी लाइन नहीं मीट कर रही जैसे इस केस में क्या हो रहा है ये देखो ये जो लाइन है इमेजनरी लाइन है है ना ये हमने एक्सटेंड करी है लाइन तो ये जो इमेज बनी है ये है इमेजनरी समझ गए जो लाइन एक्सटेंड करके हम बनाते हैं ये जा ऐसे रही थी लेकिन हमने पीछे एक्सटेंड करके यहाँ पे इमेज बनाई तो ये होती है इमेजनरी लाइंस और ये इमेजनरी इमेज है ठीक है और जबकि ये एक्चुअल लाइन मीट कर रही है तो रियल इमेज है इन्वर्टेड क्यों है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे है अपवर्ड और जो इमेज है हमारी डाउनवर्ड है तो इन्वर्टेड इमेज है और मैग्नीफाइड क्यों है क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा रियल इनवर्टेड एंड मैग्नीफाइड ऑप्शन सी करेक्ट। ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा ये इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा क्योंकि इरेक्ट नहीं है इरेक्ट मतलब उसी पोजीशन में जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी डायरेक्शन में हमारी इमेज बने तो ये इसलिए ऑप्शन गलत है डी ऑप्शन क्यों गलत है क्योंकि वर्चुअल हमारी इमेज नहीं है रियल है समझ गए तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ